नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फिर से। और मैं आ गया हूँ उमिया किरियाना स्टोर पे, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ मैगी, जो कि मैं घर जाके बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी मार्केट में था तो मेरे को बहुत भूख लग रही थी। तो चलिए दोस्तों, अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं घर। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका मेरे परिवार ब्लॉग्स चैनल YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज मैं आया हूँ मार्केट से, अभी आया हूँ, और मैं बनाने वाला हूँ ये मसाला मैगी, जैसा कि आपने देखा। मेरे को आज मैं मार्केट गया था तो पता नहीं मेरा अचानक से मन करा क्यों ना पहले के जैसे एक तड़का मैगी खाई जाए, जैसे हम पहली मैगी बनाते थे, बहुत पहले बनती थी। इसका तेल, मतलब तेल में शौक लगा के इसको बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती है खाने में। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे ब्लॉग में एक बार फिर से, और हम बनाते हैं ये मसाला मैगी। दोस्तों ये है मेरा किचन एरिया। आज हम बनाने वाले हैं मसाला मैगी। मसाला मैगी के लिए चाहिए पहले प्याज। दोस्तों पहले हम प्याज को कट कर लेते हैं। प्याज बहुत स्मॉल कट करने हैं दोस्तों आपको, मतलब बहुत छोटे छोटे कट करने हैं, तभी आपको इस मतलब इस मसाला मैगी का मज़ा आ पाएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसमें लिए हैं मैंने मतलब प्याज लिए हैं मैंने 3। प्याज की क्वांटिटी, मतलब आपकी मैगी जिस हिसाब से आपकी मैगी ज़्यादा है उस हिसाब से आप क्वांटिटी रख सकते हैं। तो मैंने इसमें शायद मे बी 2 या 3 बड़े बड़े, मुझे पता नहीं कितने पीस इसमें आते हैं इस मैगी में, बाकी दो बड़े बड़े पीसेज हैं इसमें मैगी के जो हम डालते हैं। तो उसमें मैं 3 प्याज लूँगा। एक की मैंने कटिंग कर चुका हूँ एक की मैं कटिंग, और 2 की कटिंग अब करने वाला हूँ। बने रहिए दोस्तों। और दोस्तों एक हम इसमें डाल देंगे टमाटर। इसको भी मैं कट कर लेता हूँ। दोस्तों टमाटर को ऐसे ही रहने देना है, और इसकी लंबी लंबी स्लाइसेस करनी है, बहुत पतली पतली स्लाइसेस करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? देखिए इतनी पतली। पहले मैं इसका ऊपर का निकाल देता हूँ, इससे भी पतले पतले स्लाइसेस करने हैं दोस्तों। तो जब ये एक बार कटिंग हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस, इसके बाद क्या करना है। दोस्तों इस तरीके से मैंने देखिए प्याज को कट कर लिया है, फिर ये टमाटर भी कट कर लिए, देखिए टमाटर कट हुए हैं ये भी इस तरीके से, और ये छोटी छोटी मिर्चें मैंने कट कर ली। और दोस्तों आपको पता भी नहीं चला, और मेरा तेल कढ़ाई पे गरम भी हो चुका है। पहले हम डाल देते हैं इसमें प्याज। प्याज को हल्का हल्का ब्राउन करना है आपको, एकदम जला। हाँ दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा तीखा खाते हैं, क्योंकि जैसे कि मसाला मैगी है तो उसमें दो, देखिए मैंने कितनी बड़ी बड़ी साइज़ की ले ली है मिर्चें, ये देखिए कितनी लंबी मिर्चें हैं, और फ्रेश मिर्चें अभी लेकर आया था मैं। ये दोनों मिर्चें आप मतलब आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों? मिर्चें ज़्यादा तीखी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से मिर्चें ले। कट क्यों नहीं रहा भाई? दोस्तों देखो इस साइज़ की मैगी है, और जिस साइज़ का मैंने लिया है ये दो मैगी है, और जितना मैंने मतलब जितनी प्रिपरेशन किया मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। उसके बाद देखिए तुरंत आपको डाल देनी थोड़ी सी मिर्चें इसमें प्याज में, और उसको थोड़ा सा हिला दीजिए, और फिर डाल दीजिए इसमें टमाटर। और दोस्तों उसके बाद जो उसका टेस्ट आएगा वो बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा, आप देखिएगा। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है ये दोस्तों। तो मसालों को अच्छे से मिक्स करके हल्का सा इनको सिर्फ थोड़ा सा भूनना है, ठीक है? जैसे ही टमाटर थोड़ा सा हल्का होने लगे, आपको लग रहा है जब टमाटर थोड़ा सा हल्का हो, तो फिर आपको करना है एक काम, और इसमें डाल देना है आपको थोड़ा सा हल्का सा नमक, क्योंकि नमक से टमाटर और जल्दी अच्छे से गल जाता है दोस्तों। तो मैंने डाल दिया, मैं थोड़ा सा और डाल देता हूँ, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और हिला देता हूँ। मेरा प्याज हल्का सा जल सा गया है दोस्तों, लेकिन
देखते हैं कैसा लगता है खाने में, अच्छा ही लगेगा वैसे तो आई होप। सो इसको कर देते हैं थोड़ा सा, यह सिम ही है, इसको सिम रहने देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैगी का मसाला डाल देते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये मैगी का मसाला है, और आपको मैगी का मसाला इस तरीके से कटोरी में पहले तो निकाल लेना है सारा। फिर इसमें आपको करना है हल्का सा पानी ऐड, बस, जिसमें कि जिससे कि ये थोड़ा सा मतलब ग्रेवी फॉर्म में आ जाए। सो दोस्तों मिक्स कर लेना है इसको अच्छे से। मसाला कर लिया है मिक्स, और मैं इसको डालने वाला हूँ मैगी मसाले के इसके अंदर। इस तरीके से फिर आपको हिला लेना है। दोस्तों बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा, पहले के जैसी खुशबू आ रही है। मैं स्कूल टाइम पे मम्मी या घर वाले तड़के वाली मैगी बना के देते थे, उस तरीके के अभी इसमें अरोमा आ रहा है, खुशबू आ रही है, मैं फील कर सकता हूँ दोस्तों। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं दोस्तों, अपने टेस्ट के हिसाब से। दोस्तों ये ले लिया मैंने हल्की सी लाल मिर्च, और मैं डाल देता हूँ उसमें, मैंने भी थोड़ी सी लिया दोस्तों, ज़्यादा नहीं लिया, और इसको अच्छे से हिला देता हूँ फिर से एक बार। आप देखिए दोस्तों मसाला थोड़ा इसका अच्छा हो गया है। उसके बाद इसको पानी करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड, थोड़ी सी गैस को तेज करेंगे, और इसको फिर से हल्का सा पकाएंगे, इसको ग्रेवी कर लेंगे अच्छा। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, पहले मैगी ऐड करते हैं। चलिए मैगी आपको दोस्तों तोड़ के नहीं डालनी है, बिल्कुल एज इट इज डाल देनी है, ठीक है। और अब इसमें डाल देना आपको पानी, बस थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपको उस पर लगा देना है ढक्कन, बस। अब जैसे इसमें मैगी में थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी जब ये मैगी बॉईल होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उस पर आपको क्या करना है एक बार चेक करना, और मैगी को चम्मच से खोल लेना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों गैस को कर देना एकदम तेज़, जिससे कि पानी जो है वो थोड़ा सा मतलब जल्दी बॉईल हो जाएगा, और मैगी को पकने में आसानी होगी। लेकिन ये आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आपकी मैगी ऐसे भी बॉईल हो सकती है, और उसके बाद जब आप चम्मच से हिलाएंगे तो वो खिचड़ी सी बन जाएगी। सो दोस्तों आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैगी। सो दोस्तों देखिए, अब मैं प्लेट का ढक्कन हटा देता हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा मैगी में बुलबुले मतलब ये खोल चुका है। अब इसको आपको हल्का हल्का इस तरीके से मैगी को खोल देना है, ऐसे ऐसे करके। मैगी को तोड़ के कभी नहीं डालना दोस्तों, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर, मैगी का बिगड़ जाएगा सारा मज़ा। बस गैस आपको फुल कर देनी है, मैंने बीच में गैस लो कर दी थी क्योंकि ज़्यादा बॉईल हो गया था। अब आपको गैस पूरी मतलब करके अच्छे से, तो आपको इस तरीके से हल्का हल्का चम्मच का यूज़ करके मैगी को हिला लेना है। और दोस्तों मैगी बनाते वक्त कभी भी आपको ऐसे चम्मच का यूज़ नहीं करना, मतलब ऐसे ऐसे चम्मच में जो बड़े चम्मच होते हैं, तीखे चम्मच होते हैं, मैं दिखा देता हूँ, वैसे चम्मच का आपको यूज़ नहीं करना। इस तरीके के चम्मच का कभी भी यूज़ नहीं करना दोस्तों, मैगी कट जाती है, टूट जाती है, फिर आपको मैगी खाने में मज़ा नहीं आएगा। आप ये वाला चम्मच लीजिए, और सिर्फ इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए यार ये क्या हो गया, बस ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से से आपको हल्का हल्का इसको पीछे की साइड से ऐसे से करना, जिससे कि मैगी आपकी टूटेगी नहीं बिल्कुल। और ये देखिए दोस्तों मेरा थोड़ा सा पानी पर इवोपरेट हो गया है, मतलब पानी अब उड़ रहा है धीरे धीरे। ये देखिए अभी मैगी में पानी है, सो मैं इसको खुला करके ही और एकदम फुल गैस करके इसको कुक करूँगा। तो इधर चाय का पानी भी खोल गया, और मैंने इसमें भी देखो पत्ती डाल दी है, चाय भी बना ही लेते हैं, इधर बन रही है मैगी, और थोड़ा मैगी चाय पीते पीते मैगी बनेंगे तो मज़ा आएगा ना दोस्तों, इसलिए मैं चाय भी बना रहा हूँ। ओके सो ये देखो दोस्तों पानी थोड़ा सा मेरा जो मैगी का पानी था, देखिए कैसा थिक थिक सा हो रहा है अभी,
अभी हुआ नहीं है, फिर से हम इसको फुल कर देते हैं। और खुली मैगी बनानी है दोस्तों आपको, उसमें ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं ऐसा बना के, लेकिन उसमें क्या होता है पानी पूरा मैगी के अंदर घुस जाता है और वो मैगी का बन जाता है फिर दलिया। दोस्तों ये देखो इसको क्या हो गया। अच्छा ठीक है दोस्तों, ये देखो ये भी उबल गया है मेरा, इधर इसको कर देता हूँ। अभी मैं कहूँ अभी मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है दोस्तों सारा मैगी पे है, क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है इस वक्त। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से बन गई है हमारी मैगी, और ये हो गया है बहुत ज़्यादा थिक। तो अब आपको कर देना है गैस को बंद, और दोस्तों अब इसको ऐसे ही छोड़ देना है आपको, कुछ नहीं करना है। अगर अच्छी मैगी खानी है, पहली बात तो मैगी 2 मिनट में कभी नहीं बनती, ठीक है। और अगर आप अच्छी मैगी खानी है तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ खानी है थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा बाद में, जो टेस्ट इसका आएगा आप टेस्ट फील करेंगे, बहुत अच्छा आएगा, मैं आपको खा के दिखाऊंगा। ओके सो दोस्तों देखो किस तरीके से मेरा पानी पूरा मैगी के अंदर चला गया, थिक हो गया है, और ये मैगी देखिए बिल्कुल करारी है, बिल्कुल एकदम लंबी लंबी करारी मैगी है। सो दोस्तों इधर चाय का पानी ज़्यादा गर्म हो गया तो मैं इसमें दूध डाल देता हूँ। सो दोस्तों जब आपको पता चलता है, नहीं नहीं सॉरी, जब आप चाय बना रहे हो, आपने सारी चीज़ें डाल दी हो चाय में, पानी भी डाल दिया, पत्ती भी डाल दी, और चाय का पानी खोल भी गया, और जब आप खोलते हो अपने फ्रिज का ढक्कन और आपको पता चलता है अंदर दूध नहीं है, तो कैसा लगता है दोस्तों? सो अब मेरे को जाना पड़ेगा और मार्केट में से दूध लाना पड़ेगा। सो मैं फटाफट जाता हूँ मार्केट में से दूध लाता हूँ, मार्केट में नहीं मिलते हैं, सीधा मिलते हैं किचन में ही। सो दोस्तों हमारी मैगी और चाय देखिए रेडी है, मैगी देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये रेडी है नाश्ता शाम का, और हम इसको खाएंगे, मैं आपको खा के दिखाता हूँ दोस्तों कैसी लगती है मैगी और चाय। सो देखो दोस्तों ये है मेरी मैगी का टेक्सचर कुछ इस तरीके से है, ये दोस्तों देखो कितनी करारी है, मैं आपको दिखाता हूँ। कितनी करारी, तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके का टेक्सचर आया मेरी मैगी का, ये देखिए प्याज टमाटर इसमें सब कुछ है, और बहुत टेस्टी बनी है ये, मैं एक बाइट आपको लेके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरे को जो मैगी पसंद है थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है स्पून के अंदर, फॉक के अंदर, इतनी क्वांटिटी में मैगी की लेता हूँ और फिर इस पर हम खाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा गिर गया, बहुत टेस्टी है दोस्तों। और दोस्तों देखो इस तरीके से मैगी खाने का तो आप समझ ही सकते हैं, अपना ही एक चरम सुख है, एक अपना ही आनंद है जो बच जाती है, मसाला जो बच जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,